لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين

दरी वी अमरी वहदिली यू कौली रबा ना रुश्ता ना वॉजना आमीन या रबीन अल्लाह की राह खर्च करने के उत्ते फिर दोबारा ताकीद की जा रही है यूनफिकूना मुआलह लोग जेडे ख़र्च करते ने अपने माल बिले वन हार रात दे वेले भी ते दिन दे वेले भी, यानी छुपा के भी ते जाहिर भी सिर रंबा एलानियतन यानी लुका के भी ते अलानिया भी और दिन रात देकात खर्च करते दे रहते ने फलाहुम अजरोहम इनका रबेहिम तो वास्ते है अजर बदला उन्होंने रब दे कोला खौफन अलहिम वलाहुम यनून और उन्होंने वास्ते कोई डर नहीं ना ही वह गम खान यह द्वारा फिर ताकीद कर दीती है कि जड़ा आदमी भी अल्लाह वास्ते खर्च करता है अल्ह की रजाजोई आखिरत की जजा ली तो उन्होंने इतमान होना चाहिए को दिन के किसी वेले भी खर्च करे रात द किसी वेले खर्च करे तो वह तो अलहैल कयूम है अल्लाह उन्होंने पता है वह किसी वे भी खर्च करता है तो वो इलमच फिर वो छुपा के करता जानता ऐलानिया करता भी जानता तो वह जो दिता हो कहीं भी जाया नहीं जाएगा वह अल्लाह फजर अजर भरपूर देगा और जो अजर पाएगा तो उदो गम नहीं होएगा खर्च किए का क्योंकि वह देखेगा कि जोड़ा उन्हें खर्च किया बहुत बेहतर बदला है जो अल्लाह ने उन्होंने अता कर दिता अल्लाह जी ने या कलू न रिबा ला यकूमु नमा यकूम शैतानु मन अलमस जाल बैन हम कल नमल बैसर वाहब वर रम रेबा फमन जाहू मौजुम रब ही फंतहा फलहू मासरफ व अमर व मनाबुली हा खाल ए अल्लाह दिराह खर्च कर तरकीब तो बाद हम दस्या जा रहा है कि जेडे लोग अपनी बचत नूद् ला दे खुलत आला यही चीज़ समझा रहा कि जोड़ा भी इंसान की इतनी जरूरत तो ज्यादा हों जो भी इंसान बचा तो जी बचत करता दो ही मसरफ ने या तो इतें ही अपना माल होर वधाने ला ओनू ही आखरत का जरिया बना जो इतने माल ज़ते देख के सूद लुनिया के अंदर वनूँदा है ਉਹ ਦੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ قرض ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਆਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਤੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ گویا ਉਹ ਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ باوجود ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ बनी नो इंसान की भलाई जी है और दे दिल चो निकल जाती है नरमी तो माहरूम हो जाता और जेदे भाई दिल के अंदर कोई नरमी नहीं रही नबी अकम सल फरमाते तो सारी खैर तो माहरूम हो गया वो है जरा इतने दसिया जा रहा इनफाक के नाल सूद का जिक्र करके कि दोवें चीज़ा ने एक दूसरे दिया ने एक अला की रजाजोईली खर्च करना और एक सिर्फ दुनिया के वास्ते अपने नफ्स की ख्वाहिशा पूरी कराते इंसान जो अपने माल की बचत जो है लाता है तो जी ने या कुलू न रिबाह जोड़े लोग सूद खांदे अपने माल न कर्ज देते ने नफ़ा लैन लिफ ला यकूब ना अला कमा यकू मु ये तहब्बत मस वह नहीं खड़े हो ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਜਾਂ ਆਸੇਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਹਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਲਕ ਬੈਨ ਹਮ ਕਾਲੂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਮਲ ਬੈਉ ਮਿਸਲੁ ਰਿਬਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਫਾ ਕਮਾ ਰਿਆ ਤੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਫੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਹੱਲਲ ਅਲ ਬਾਇ ਵ ਹਰਰ ਰਬਾ अल्लाह के अल्ला तला ने कारोबार हलाल करार दिता है तो सूद हराम करार दिता अगर तुम्हें तो मन हो, कि मालिक है और वह जरा हर चीज़ का इलम रखता है वह है जरा जानता ताला के फिर हुक्म वो हुक्मल करो और हुक्म मनो और हुक्म यह है कि कारोबार हलाल है तो सूद हराम है वाह बया वर रम फमन जाहू मोजा तुम रब ही तो जड़ा भी उन्होंने मनने वाला है तो हूँ जो अल्लाह तौर की तरफों नसीहत वो पहुँच गई है फंतहा अगर वह बाज़ आ गया है फलहू माशलफ तो अल्लाह तला माफ़ कर देगा जो गुजर गया व अमरहू अल्लाह हाँ आखरत देर वो मामला जड़ा है वह अल्लाह के सपुर दे, दे। वम आदा फौला का साहब उन्नार और अल्लाह का हुक्मान बाद फिर भी नहीं रुकता फिर भी अपना माल सूद तलाया फिर भी इस तरह कारोबार कर रहा है तो फिर उन्होंने जान लेना चाहिए जल्लाह की हक हद तो अगे बढ़ता है फौलाय का साहब उन्नार वो है जहन्नम वाला हमफिया खालिदून हमेशा हमेशा रहेगा यह अल्लाह तला फैसला सूद के बारे अल्लाह ताला ने इनू हराम करा देता है हूँ जो भी इस तो बाज़ नहीं आता तो अच्छी तरह जान ले फिर अल्लाह तला की हदों अगे बढ़ रहा है वो अल्लाह तलाफरमानी कर रहा है तो जड़ा भी अल्लाह तलादूत तो अगे वै उसके वास्ते फिर अल्लाह ताला दा फैसला है कि उन्होंने जहनम के हवाले करेगा वो हमेशा रहेगा या महाकुल्ला हो रे बाबा युर्बे सदाकार असल अल्लाह ताला चाहता है कि इंसाना के अंदर यूद खत्म होए तो सदकात जेडे हैं वो परवान चढ़ एक दूसरे का इंसान हमदर्द होए एक दूसरे का गमखार बने किसी हाजत जान वोदियाँ इंसान दूसरा हायत पूरे अल्लाह तो यह चाहता है क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो अल्लाह तालू पसंद है जड़ा कुनबे हुसने सलूक कर ये चीज़ है जड़ा पुराने मजीद जड़ा है वह प्रवान है और यही चीज़ है जी नबी अकम सल अला वसलम ने फरमाई है कैल खलको याल्ला पूरी मखलूक अल्ह का कुनबा है तो अल्लाह तालू पसंद है जो मखलूकाल हुसन सलूक करता है तो हुसन सलूक तो होंगे खैरात अल्लाह दर्चण न ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ maal ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਰੂਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ maal ਨੂੰ ਪੜਾ ਵਧਾਣ ਲਈ ਸਹੂਦ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ گویا ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਸਦਕਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਬ ਕੁਲਾ ਕਫਾਰ ਨਸੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ना शुक्राए और जड़ा है गुनागार है कफार वो है कि अल्लाह तया लेकिन वो अल्लाह त हुक्म नहीं मानता अल्लाह दी ना शुक्र ही करता तो जो उन्हें हक रखे दूसरों का हक अदा नहीं करता बल्कि उन्हें होर अपने नफ्स द्वाहिशा वास्ते जुल्म के न कमा के तो जमा रखता असीम वो है जो अपने फर्जा के अंदर कुताही करता है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फरमाया जरा भी अल्लाह त हुक्म नहीं मानता वो तो अल्लाह तला देहा नशुकरा भी है तो गुनागार भी है इन अल्ह जी न आमन अमल उसहात बेश जल्लाह के ईमान ल्याद ने और फिर उस ईमान के तकाजे पूरे करते हैं उन्होंने अमल जे हैं वो साले होंगे ने बनी न इंसान की भलाई वाले ने अला त ईमान के तकाजे पूरे कर वाले ने वा का मुस्लाता वाह तुझदा का और फिर वह नमाज भी कायम रखते ने तो जक़ात भी देंदे रहते लहुम अजरो हम इनदा रबे हिम दे वास्ते अजर है उन्होंने दे रब देौफन अलैहिम वला हिम या जनून तो उन्होंने बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए वो जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह तला अजर जरा उन्होंने भरपूर देगा और जिस दिन अजर पा उस दिन उन्होंने कोई गम नहीं होएगा कि उन्होंने अल्लाह तला चलाया बल्कि उस दिन खुश हो गए कि उन्होंने इधर खर्च किया तो अल्लाह ताल ने उन्होंने बहुत ही चंगा अजर दिता या यू अल्लाह जी नाम उत्तक उल्लाह ऐमान वाले वा आओ अल्लाह का तकवा अख्तियार करो अल्लाह की नाफरमानी छो वजरू मा वाकया मिना रिबा और देखो जो भी बाकी है सूद ओनू छड़ो और ना लो इनकुन तो मोमिनीन अगर वाकई तुम अल्लाह के उत्ते ईमान लिया वाले हो तो अल्लाह का हुक्म आ गया हम जो भी तुम सूद से दिता होया पैसा वो पैसा जरा हक लैंड का सूद जरा छो फैलम तफा अगर फिर भी तुम अल्लाह तला के हकमते अमल नहीं कर दे फाजन बेहर ही, तो फिर तैयार हो जाओ जंग अल्लाह के रसूल तुम तुम और अगर तौबा कर लेंगे हो वाकई बाज़ आ जाए हो फल कुमरा कुम तो जो असल जर है वह तैन मिल जाएगा ला तुजला मोहन अवला तुजला मोन ना तुम किसी तुल्म करो तो ते ना तेडे ते जुलम होएगा कि तेडा ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਜਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਵੈਨ ਕਾਨਜ਼ੂ ਉਸਰਾਤਨ اور ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਰਨਾਜ਼ਰਤਨ ਇਲਾ ਮੈਸਰਾਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਤ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈ कोई तैनी जरूरत नहीं ए, जरूरत तो वी जो देता होर कमाण लिय तो फिर तुम मोहलत और जो आसानी दे वापस कर सके वो मनु बर्दाश्त करो बंध सदाकू खैर कुम, और अगर तुम सदका ही कर दौ वह माफ़ ही कर दौ तो बहुत ही बेहतर है तेरे लिए इनकुंतुम तलामून अगले हकीकत में जान लो कि बचत है तो तैडिया जरूरत तो वादू है इन सदका कर दौ अल्ह की राह चला दौ और आखिर इन जजा बना लो कि अल्लाह तला तैन कई गुणा करके वापस करे और वास्ते अजर महफूज कर ले और इतने वो बंदा जड़ा है वो बच जाए उस तंगी तो कि जिस तंगी दे पिया होया बद तक वो यौमान तुर जाऊ नफ़ी लल्लाह और आओ बच्ची कोशिश करो उस दिन तो जरा दिन कि अल्लाह तला तरफ तसा लुटाए जाना तुर जाऊ नफी हे लल्ला जिद में सारे लुटाए जाओगे अल्लाह की तरफ वो दिन आके रहना हो क्यामत का दिन असल वो है हार और जित का दिन अल्लाह ताल क्या उस दिन जोड़ा हार गया वह हारिया है तो उस दिन जो जित गया वह असल जितया और वह दिन है जिस जटल हकीकत है कि अल्लाह के सामने पेश तो होना ही है अल्लाह तौ ने दुनिया जी है कोई बेकार नहीं पैदा की बातल नहीं है अल्लाह ने इन हक नैदा किया और वह दिन लाजमी होएगा कि जिस दिन जायज़ा लिया जाएगा कि जिस चीज़ वास्ते भी किसी चीज़ नैदा किया जिस मकसद भी पैदा किया उन्हें पूरा किया कि नहीं क्योंकि जो चीज़ भी किसी मकसद की बनाई जाए तो जायज़ा लिया जाता है कि उन्हें बाकी मकसद पूरा किया कि नहीं और वो दिन है जो बारे फरमाया जा रहा उस दिन अपना बचाओ कर लो उस दिन बचने की कोशिश करो तुर जाओ फी हे अल्लाह जिस दिन तुम लुटाते जाओगे अल्लाह की तरफ तुम चाहो ना चाहो अल्लाह के सामने पेश होकर ही रहना सुम्मा तवफा कुल्लो नफसिमा का सबत फिर पूरा पूरा देता जाएगा हर जानू जो उन्हें कमाया होएगा यह उस दिन का असल मामला उस दिन बहुमला युजलामून और उस दिन किसी ते जुलम नहीं होएगा यह उस दिन के बारे जल्ला तला कहता है उस दिन हर शख्स में उ मिलेगा जो वो दी कमाई होगी जो उन्हें कमाया होएगा वो वाधा घाटा नहीं होएगा कोई उदली नहीं होएगी वोद अंदर कोई भी कमी बेशी नहीं होएगी क्योंकि कमी बेशी तो फिर जुल्म है और अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं अल्लाह ताला ने तो दिन जो है वह इंसाफ का दिन बनाया वो तो रहामत का जहूर है कि उस दिन अपने उन्होंने बंद जिन्होंने वो ईमान लिया के अपनी जिंदगी गुजारी होएगी अल्लाह ताला दे हुक्म ते अमल किया होएगा, अल्लाह तौर जजा देगा ये उस दिन अल्लाह ने इसे ही करके रखे है। और तो तो है असल जोड़ा यकीन है इंसान जोड़ा इस दुनिया के उखरत वास्ते अमल कर उससे उभार है अगर उन्होंने यकीन ना हो कि उस दिन मैं मिलेगा तो फिर इंसान इत अपना माल जो दूसरिया खर्च नहीं करता यह में जी है पुराने मीडिय जो यकीन दुआता कि दिन तो आके रहेगा उस दिन अल्लाह ताल ने रखे इसे करके है ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਦੇਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਲਾਂਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸੇ ਹੀ सूरत दि तीन जगह पहला चीज़ जी बयान की गई बनी इसराइल न खिताब करके भी दो दफ़ा फरमाया गया और ईमान वालू खिताब करके भी फरमाया कि या यूह लजीन आ मनु अनफकू इमारकनाकुम मिनकबले या ते यौमुन ला बैन फी है वला खुल्ला तुम वला शफा ऐमान ला वाले हो अल्लाह से आखरत रसूलों ते खा लो जो ऐसा तैन दिता है इस तुँ पह के वो दिन आ जाए लाभैन फे ये वाला खुला तू वाला शिफा उस दिन ना कोई कारोबार हो सकेगा ना दोस्ती कम आएगी और ना ही उस दिन किसी इख्तियार होएगा कि अपनी मर्जी ना किसी की सिफारिश करे या किसी को बचा ले वल का फिरूना हम ज़ालिमून भी उस दिन इस तौर ते नहीं मनेगा वो अपने उत्ते जुलम कर लेगा वह कोई ना कोई वे अंदर जरा घाटा कर लेगा कोई ना कोई चीज़ा सहारा टूंढ के ते अपने अमाल कमी करेगा तो वो वास्ते नुकसान का जरिया बन जाएगा यह है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ فرمایا ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹੈਨ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਇਹ ਆਇਤ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਤਕੂ ਯੋਮਨ ਲੋਕੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਮੁਤ ਤਗਾਬੁਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਰ ਔਰ ਜੱਦਾ ਦਿਨ और हार और जिद का दिन है, वो हार और जित है इंसान के अमल ते तो, दे दी तो वो ईमान की वजह तो वो किसी खानदान या किसी मुल्क की वजह तो नहीं किसी जबान की वजह तो नहीं अंदर ये चीज़ा कम नहीं आन अंदर कम आएगा तो इंसान का अमल तो वह ईमान कम आएगा इस करके फरमाया व तक यौम तुरजाऊ नफी जेद्यान लुटा दिता जाएगा इलाह तैे अल्लाह की तरफ डे मालिक की तरफ ऐडे पैदा करने वाले और पालन हार की तरफ सुम्मा तवफा कुलो नफसे माँ कसबत फिर पूरा पूरा देता जाएगा हर नफसू जो उन्हें कमाया होएगा बहुमला युद्लामून और किसी के उत्ते जुल्म नहीं होएगा किसी ना अजर घट नहीं दिता जाएगा और जो नहीं बनता ओनू भी नहीं दिता जाएगा यह है जी हकीकत कुरानी मजीद कहता सामने रख के अपनी जिंदगी गुजारो अगर इस हकीकत को सामने रखोगे तो रखो फिर ही ध्यान कामयाबी ये जेडे अकाम इस रकू के आए ने इन इना नतीजा की है अल्लाह तला है कि सूट तो हराम है वो माल जड़ा कर्ज़ दिता जाए और मुइयन मुनाफा लिया जाए उस मुद्दत की वजह तो यह है जिन्होंने अल्लाह ताला ने हराम करार दिता ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਰਗੀਬ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿਓ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਦਕਾਤ ਹਨ ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ دین ਦੇ ਗਲਬੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ਰੁਅਸ਼ਾਤ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵਤਨ ਲਈ वो इस्तेमाल करके अपनी जरूरत पूरी करे तो फिर तैा माल तैन वापस लौटा द यह जो कर्ज़ की सूरत अल्लाह तौला कह और यह है वह कर्ज़ इस दुनिया से भी यब है कि एक दूसरे की मदद करो और यही कर्ज़ है जो अल्लाह भी मंगता है कि उन्होंने भी कर्ज़े हसना दो कई गुणा करके तैन वापस करेगा तीसरी सूरत जी रखी है इस माल को लाने की वह है मुजारबत माल जो एक शख्स का होने दूसरा करे लेकिन वो जो भी नफे नुकसान का है रेशो, वो मुहैयन कर ली जाए कि जोड़ा भी माल जिन्हें लाया है, उन्होंने की मिलेगा उस तजारत वो जोड़ा मेहनत करता है ओनू की मिलेगा लेकिन अगर उस मेहनत कर तो माल जो लाने तो बाद किसी नुकसान हो जाए तो फिर नुकसान सारा सरमाएदार जो बर्दाशत करेगा वह सरमाया जड़ा है वह घटेगा तो वो मेहनत जया जाएगी ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ سرمایہ دار ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ बच ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ سرمਾਇਤੇ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ कि सरमायादार माल लावे तो नुकसान का वह जिम्मेदार ना बड़े सिर्फ नफे का बने इन फिर हराम करार दिता गया और ये चीज़ है जी आमाल सब तो अल्लाह तालू जी नापसंदीदा है वह सूद है मयशत अंदर कारोबार के अंदर कि जिन्हों ने हराम किया और यह है जिसे इस रकू के अंदर रखे है अगर इस तुँ तो बा आँगे तो फिर अल्लाह और उसूल ना ला ला जंग यह इंसान सोचना चाहिए कि सब तो ज़्यादा अल्लाह तला गज़ब क्योंकि जिन जंग होब्बत नहीं हूँ वह कोई जो भला नहीं चाहता वो तो अल्लाह ताला जो है वह उन्हें जंग का ऐलान करके गोया उन्होंने दुश्मन बना लिया और ये चीज़ है जिन्होंने नबी अकम स समझाने वास्ते अपने फरमोदाद के दस है कि सूद के गुणा दिए सत्तर दर्जे ने और उन्होंने सब तो छोटा ज दर्जा वो है कि कोई शख्स अपनी माँ निकाह कर ल यह जड़ा वो शनात दस वे क्योंकि इंसान इस चीज़ को बड़ा बुरा समझता है तो यह दसन वास्ते कि सूत जहाँ ये एड्डा व्डा गुणा है कि वह सत्तरवें हिस्सा जो सब तो छोटा बराबर है कि कोई इंसान अपनी माँ के नाल जना करे तो यह शनाद जी दसी गई है तो इंसान न सोचना चाहिए कि अल्ह का हुक्म जो अमल करे और इस बुराई तो बाज आ जाए और अपना माल जो ਉਬਨ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖidmat ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਕਰਜ਼ ਹਸਨਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਾ ਲੈ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਬਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਇਹ 30 ਚੌਥੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਦ ਵਾਲੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ और अल्लाह ताफरमानी नु छ के अल्लाह की नाराजगी तो बच जाए ताकि उस दिन दी कामयाबी हासिल कर ले कि जिस दिन अल्लाह ताल सामने पेश होना है बार अल्लाजीम व नफा नि वाह कुम बिला तो वजह की